अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इरम एंड वेलकम टू माय चैनल। एक्नी 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 एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मौसम में किसी को भी हो जाती है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो चाहे किसी भी उम्र के हों। तो अक्सर ये देखा गया है कि लोग बाहर से तो उसको ट्रीट कर लेते हैं, लेकिन मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि इंटरनल इश्यूज़ भी होते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि आप इंटरनली क्लीन नहीं होते तो इस वजह से भी आपको एक्नी हो जाती है। अच्छा, उसमें फिर बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं इंटरनल क्लींजिंग के हवाले से, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मैंने ड्रेस पहना हुआ है ये मुझे सेंड किया था कंदील ने। उनका फेसबुक पेज है आई कैंडी के नाम से। बहुत ज़बरदस्त स्टफ है, बहुत कंफर्टेबल है, और उन्होंने ही मुझे स्टिच करके भेजा था, और इतनी ज़बरदस्त स्टिचिंग है, इतना आप देखें कितना अच्छा से मुझे फिट आ रहा है। तो इतनी अच्छी स्टिचिंग है और इतना अच्छा फैब्रिक है और बहुत खूबसूरत ड्रेस है। तो आप लोग फेसबुक पर जाके, इंस्टाग्राम पे उनका पेज नहीं है तो फेसबुक पर जाके आप उनका पेज ज़रूर विजिट करें। मैं उनके पेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी और पिन भी कर दूंगी, तो आप उनका पेज विजिट करें। और लेडीज़, आप देखेंगे कि बहुत ज़बरदस्त स्टफ, बहुत खूबसूरत डिज़ाइन में उनके पास है। तो अब आते हैं बैक टू अवर टॉपिक। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंटरनल क्लींजिंग भी ज़रूरी है, और अक्सर लोग जो है वो समझते हैं कि हमने मुंह पर ये लगाया वो लगाया, ये चीज़ खाई वो चीज़ खाई, हमें फ़र्क नहीं पड़ा। तो देखिए, आज मैं आपको बताऊंगी कि आप इंटरनल क्लींजिंग किस तरह कर सकते हैं, और उसके साथ ही मैं आज आपको एक फेस पैक भी बनाना बताऊंगी एक्नी और पिंपल्स के लिए। पिंपल्स में आ जाता है आपके जो पिंक पिंक कलर के, रेड रेड कलर के पस भरे पिंपल्स होते हैं वो, और एक्नी जो आपको छोटे छोटे दाने आ जाते हैं, अक्सर लोगों को माथे पर आ जाते हैं, गर्मी दाने वगैरह आ जाते हैं वो सब। तो उसके लिए जो हमें सबसे पहले जो चीज़ हमने खानी है ताकि हमारी अंदर से सफाई हो, वो ये चीज़ है जी। ये चीज़ है नीम। नीम को लेके आपने ड्राई कर लेना है, आप पत्ते लें, ठीक है, आप उनको ड्राई कर लें, और उसके बाद आपने ब्लेंडर में डाल के उनको पीस लें, और इस तरह से आपको पाउडर मिल जाएगा, ठीक है। तो आपने इसको किस तरह खाना है कि आपने इस तरह एक चुटकी भर के लेना है, मुंह में रखना है, ऊपर से पानी पी लेना है। ये आप सुबह में करेंगे, नहार मुंह आपने कुछ नहीं खाना, कोई नाश्ता वगैरह नहीं करना, उठते ही सबसे पहले ब्रश करने के बाद आप ये चीज़ खाएंगे। अगर आपको एक्नी और पिंपल का इशू है जो कि कुछ भी कर लो जा ही नहीं रहे, या अगर आपको पता है कि आपके पेट की खराबी की वजह से, पेट के प्रॉब्लम्स की वजह से आपको एक्नी हो रही है, तो उसमें आप ये नीम खाओगे, ठीक है। आप इस तरह पाउडर बनाओ, इसकी एक भर के चुटकी लो, मुँह में रखो, कड़वा बहुत होगा, अभी से बता रही हूँ बहुत कड़वा होगा, लेकिन इसके रिजल्ट्स ऑसम हैं। आप सबको पता होगा कि नीम बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है स्किन के लिए और आपकी क्लियर स्किन के लिए। तो ये आपने सुबह करना है जिसको किसी भी किस्म की एक्नी का या पिंपल्स का प्रॉब्लम है। और अब हम आ जाते हैं फेस पैक की तरफ। तो फेस पैक के लिए नीम ही आप इस्तेमाल करेंगे, ये जो आपने नीम पाउडर बनाएगा वही इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने ये एक जार बनाया हुआ है, इसमें मैंने नीम ऐड किया है, और उतनी ही क्वांटिटी में आप ऐड कर लेंगे बेसन, यानी कि मैंने इसमें 2 चम्मच बेसन रखे हुए हैं और 2 चम्मच नीम का पाउडर रखा हुआ है, और बिल्कुल हाफ चुटकी, हाफ चमची के बराबर चम्मच, हाफ छोटे वाले चम्मच के बराबर मैंने इसमें हल्दी डाल दिया है। और इसको इस्तेमाल करने का तरीका क्या है, ये देखें, यहाँ पाउडर है, ये आप पाउडर जो है रख सकते हैं अपने पास बना के, बाथरूम में आप रख लें या आप अपने घर में किसी भी जगह पर रख लें, बस ये है कि ये एयर टाइट जार में होना चाहिए ताकि इसमें हवा ना जा सके, वरना ये ख़राब हो जाएगा, कीड़े पड़ जाएंगे। तो इसका तरीका ये होगा कि अगर आपकी ऑयली स्किन है या एक्नी वाली स्किन है तो आप इसमें डालेंगे इतनी क्वांटिटी में दही कि अच्छा सा पेस्ट बन जाए, और उसके बाद आप इसे फेस पे अप्लाई कर लें। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप इसमें डालेंगे उतनी क्वांटिटी में दूध के एक अच्छा सा पेस्ट बन जाए। अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो आप इसमें रोज़ वाटर डाल सकते हैं, या फिर आप सिर्फ सादा पानी डाल के एक अच्छा सा पेस्ट बनाएं और अपने फेस पे लगा लें। अगर आपकी नॉर्मल या कॉम्बिनेशन स्किन है तो आप या तो दूध इस्तेमाल कर लें, या दही इस्तेमाल कर लें, या रोज़ वाटर इस्तेमाल कर लें, या पानी इस्तेमाल कर लें। तो ये आपने वीक में 3 दिन लगाना है, ठीक है। 3 दिन आप ये लगाएंगे, ड्राई होगा, मुंह धो लें, उसके बाद कोई भी अच्छा सा मॉइस्चराइजर जो कि आप आम जिंदगी में लगाते हैं उसको आप लगाएं, और बस। तो नीम आपने तब तक नीम पाउडर खाना है जब तक कि आपके पिंपल्स का मसला ख़त्म नहीं हो जाता। बहुत से लोग कहते हैं कि हम साफ़ी पी सकते हैं, हम करेले का जूस पी सकते हैं, हम ये वो, तो यार उनमें अक्सर लोगों को मैंने देखा बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, साफ़ी वगैरह से बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। तो बेहतर यही है कि आप नीम खाएं जो कि नेचुरल भी है, उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं है, और फेस के लिए आप नीम प्लस बेसन प्लस हल्दी
और उसमें आप डालें जो भी मैंने आपको आपकी स्किन के हिसाब से पेस्ट बनाने के लिए चीज़ बताई है। तो ये तो थी आज की वीडियो, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा एंड आई एम श्योर कि आपको जल्द ही, बहुत जल्दी 2 से 3 हफ्तों में ही फ़र्क नज़र आने लगेगा। तो नीम हर जगह से मिल जाता है, बाहर आम दरख्तों पे लगा होता है, और अगर आपको नहीं मिलता तो पदसार शॉप पे आपको नीम पाउडर बहुत आसानी से मिल जाएगा। तो ये तो थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको वीडियो यूज़फुल लगी होगी। आपसे फिर मुलाकात होगी, दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।